अभी खबर है कि एंटी करप्शन अदालत में खोखर बरादरान की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाप्त हुई है। सैफ खोखर, अफजल खोखर और दीगर अदालत में पेश हो गए। बगैर नक्शा घर नहीं बनाया, वकील खोखर बरादरान का अदालत में बयान सामने आया है। आपको बताएं कि एंटी करप्शन अदालत में खोखर बरादरान की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाप्त हुई है। सैफ खोखर, अफजल खोखर और दीगर जो हैं वो अदालत में पेश हो गए और ये मौकफ अपनाया गया खोखर बरादरान के वकील की जानिब से कि बगैर नक्शा घर नहीं बनाया है। एंटी करप्शन अदालत में खोखर बरादरान की अबूरी दरखास्त जमानत पर आज समाप्त हुई है। सैफ खोखर, अफजल खोखर और दीगर जो इसमें नामजद मुलजिमान थे वो अदालत में पेश हुए हैं और खोखर बरादरान के वकील की जानिब से अदालत में ये मौकफ अपनाया गया कि बगैर नक्शा घर नहीं बनाया। इस हवाले से एंटी करप्शन अदालत में आज ये अहम समाअत हुई है। खोखर बरादरान के खिलाफ एंटी करप्शन की अदालत में ये केस ज़ेर समाअत है और अबूरी दरखास्त ज़मानत पर समाअत हुई जिसमें सैफ खोखर, अफजल खोखर और दीगर पेश हो गए।